विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के 10वें राउंड में ग्रैंड मास्टर होल्ड कोर्नाट के सामने यहाँ पर मुकाबला खेलेंगे। देखते हैं होल्ड कैसा खेलेंगे। काले मोरों से सफ़ेद मोरों से प्रज्ञानंदा को शुरुआत करनी है। क्या करेंगे, e4 d4 c4 अरे नाइट f3 से यहाँ पर शुरुआत करते हुए प्रज्ञानंदा, और देखते हैं होल्ड क्या जवाब देंगे इस स्ट्रक्चर का। बहुत सारी लाइंस में ये नाइट f3 कन्वर्ट होता है, d5 g3 और क्या किंग्स इंडियन खेलेंगे प्रज्ञानंदा यहाँ पर। बिशप g4 प्रज्ञानंदा बिशप g2 खेलते हुए नाइट bd7 नाइट d7 बोल सकते हैं फिलहाल इसको, डायरेक्ट कैसलिंग करते हुए प्रज्ञानंदा बड़े शांति के साथ। और यहाँ पर e6 खेला है होल्ट ने, h3 खेल के आक्रमण किया है बिशप के ऊपर। सवाल पूछा है कि कहाँ जाइएगा, ऊंट ने बोला एक्सचेंज करेंगे बिशप f3 और देखते हैं अभी क्या खेलेंगे। यहाँ पर बिशप d6 आता हुआ, बहुत चांसेस हैं कि अगर d3 कर दिया जाए, यस d3 करते हुए किंग्स इंडियन का सेटअप यहाँ पर पूरी तरह से बोर्ड पर बन चुका है, मतलब किंग साइड एक जोरदार आक्रमण देखने की उम्मीद हम कर सकते हैं। नाइट f6 खेलते हुए यहाँ पर होल्ट प्रज्ञानंदा अभी भी विचार में, e4 पूरी तरह से किंग्स इंडियन का सेटअप यहाँ पर जो है वो स्टैब्लिश हो चुका है बोर्ड के ऊपर। कैसलिंग कर लिया है यहाँ पर होल्ट ने, देखते हैं प्रज्ञानंदा यहाँ पर अगली चाल क्या खेलते हैं। प्रज्ञानंदा बिशप g2 वापस खींचते हुए f4 वगैरह की संभावना जो है उसको बना करके रखते हुए, और यहाँ पर c6 किया है होल्ट ने, सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर को जो है ट्राइंगल पे सेटअप पे मजबूत करते हुए, एक पिरामिड बनाते हुए क्वीन e2 खेलते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा। क्वीन b6 आता हुआ b2 पर एक प्रेशर डालता हुआ, और प्रज्ञानंदा ने किंग h1 हट लिया है पहले ताकि f4 की संभावना जो है उस पर कोई फर्क ना पड़े। रुक d8 खेला है होल्ट ने यहाँ पर, और अभी भी प्रज्ञानंदा के एक बिशप और एक घोड़ा नहीं निकला है। यहाँ पर नाइट bd2 निकलते हुए, और शायद वो जो f3 पे नाइट था उसकी कमी को पूरा करेगा। यहाँ पर रुक fe8 खेला है, सो नाउ नाइट f3 ट्रैवल करता हुआ, एक नाइट ऑलरेडी पहले ही एक्सचेंज हो चुका है बिशप से, और यहाँ पर e5 के खतरे को भांपते हुए पहले ही खुद से e5 कर दिया होल्ट ने यहाँ पर। लेकिन इसमें आपकी एक चाल खराब होती है क्योंकि आप पहले e6 खेलते हैं फिर e5 खेलते हैं। नाइट h4 नाइट f5 पे स्क्वायर पर कब्जा करते हुए बिशप f8 अपने आप को थोड़ा सुरक्षित रखने के लिए एक चाल है। प्रज्ञानंदा बिल्कुल बेझिझक तौर पर नाइट f5 पर घोड़े को बिठा दिया है। पांचवें खाने पर घोड़ा ऊंट से आपका बेहतर होता है। क्वीन a6 ये चाल e4 पर एक्सचेंज को रोकने के लिए, लेकिन मुझे उतनी उम्दा नहीं लगती है चाल क्योंकि क्वीन अब आपका कोने में रह गया। क्वीन f3 e4 पर एक्सचेंज, e4 पर एक्सचेंज करते हुए प्रज्ञानंदा, लेकिन जो a6 पर वजीर रखा हुआ है होल्ड का वो थोड़ा आउटसाइड हो गया है। मतलब क्वीन c4 आप लगातार एक ही मोहरे की जब भी चाल चलेंगे आप नुकसान में आ सकते हैं भले ही आपको कुछ प्यादे दे दिए जाएं। यहाँ पे प्रज्ञानंदा शायद विचार कर सकते हैं, बिल्कुल विचार करते हैं। उन्होंने बिशप g5 बोला, उन्होंने बोला कि नहीं आप आ लो c2 मार लो कोई दिक्कत नहीं है। h6 सवाल ऊंट के ऊपर, और यहाँ पर देखते हैं क्या जवाब देते हैं प्रज्ञानंदा बिशप e3 वापस आते हुए बोले कोई चिंता की बात नहीं है, आपको अगर c2 मारना है तो मार लीजिए। और उन्होंने c2 मारा है। क्वीन लगातार अकेला एक मोहरा है जो बोर्ड पर खेल रहा है, बाकी ब्लैक के पीसेस टाइट डाउन है, ज़्यादा जगह नहीं है उनके पास। प्रज्ञानंदा का हाथी गिर गया था, खैर वो d1 पर आता हुआ। क्वीन c4 गए हैं वापस, दूसरा पॉन नहीं खाया है उन्होंने फिलहाल, और a2 के पॉन पर अटैक जरूर कर रहे हैं। प्रज्ञानंदा रुक d2 खेलते हुए यहाँ पर, और देखते हैं क्या चाल खेलेंगे। ओके यहाँ पर बिशप b4 आता हुआ, लेकिन बिशप b4 आने से जरूर रुक को पीछे हटना पड़ेगा, लेकिन किंग साइड का डिफेंस थोड़ा कमजोर जरूर होता है, तो या तो आप वापस बिशप f8 जाएंगे क्या। क्वीन को e6 लाया उन्होंने, तो पॉन खाने के बाद धीरे धीरे पोजीशन को खोलना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान है नहीं पोजीशन को खोलना। प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर शुरू कर दिया है h4 किंग साइड से आक्रमण की आप उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पर बिशप वापस f8 पर आता हुआ, और यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने अप कर दिया b3, कोई एक्स्ट्रा पॉन वो नहीं देना चाहते, पोजीशन में एक पॉन ऑलरेडी दे चुके। किंग h8 हटे हैं यहाँ पर होल्ट, लेकिन क्या यहाँ पर अब g4 भी आ रहा है। g4 आता हुआ प्रज्ञानंदा की तरफ से, तो किंग्स इंडियन अटैक में किंग साइड से जोरदार आक्रमण आपको देखने के लिए मिलने वाला है। होल्ट के पास समय भी कुछ 30-35 सेकेंड ही बचा हुआ है। नाइट g8 खेला उन्होंने यहाँ पर प्रज्ञानंदा, बेझिझक g5 पर बढ़ते हुए। राजा की स्थिति यहाँ पर कमजोर हो सकती है, उन्होंने यहाँ पर g6 किया है, पर यहाँ पर नाइट इंटू h6 आ ही रहा है, और आपका एक पॉन जा चुका है, तो जो आपने बढ़त बनाई थी नाइट h6, और यहाँ ना तो से पॉन की बढ़त भी चले गई और राजा की स्थिति भी यहाँ पर जो है वो ख़राब है। g h6 बिशप से सपोर्टेड पॉन, क्वीन f6 एक्सचेंज के लिए रखा है, पर मुझे नहीं लगता कि प्रज्ञानंदा यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे, वो जरूर जो है क्वीन को हटाएंगे। यस क्वीन g4 गए हैं, लाइट कलर पे आपकी काफ़ी कमजोरी है, उसको संभालने वाला कोई है नहीं।
बड़ा ही ये इंटरेस्टिंग पोजीशन है, क्वीन ई सेवन हटता हुआ, रघुनंदा एक और पीस को इन्वॉल्व करते हुए, बिशप जी फाइव, एफ सिक्स करना फोर्स, तो बिशप ई थ्री वापस गया, लेकिन राजा के सामने जी सिक्स पॉन कमजोर हो चुका है। अब किंग क्वीन एफ सेवन खेला है उन्होंने यहाँ पर, प्रज्ञानंदा बिशप एस थ्री लगाते हुए घोड़े पर अटैक है, रुक इन टू डी सेवन का थ्रेट आ रहा है यहाँ पर, तो घोड़े को हटाना होगा। नाइट सी फाइव गया यहाँ पर, तो उन्होंने रुक इन टू डी एट मारा है, रुक इन टू डी एट एंड नाउ रुक जी वन, अभी जी सिक्स पे एक और प्रेशर, बहुत मुश्किल होगा होल्ड के लिए, पोजीशन को होल्ड करना यहाँ पर, होल्ड करना होल्ड के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। किंग एच सेवन, प्रज्ञानंदा ने लाइट कलर को तोड़ दिया है यहाँ पर, एच फाइव खेला है, सॉरी यहाँ पर जी एच फाइव, और क्या करेंगे अभी यहाँ पर, खूबसूरत चाल हो सकती है, यस क्वीन एफ थ्री ऊंट के लिए रास्ता खोला आपने, किंग एच एट पीछे भागते हुए, नाउ बिशप इंटू सी फाइव, बिशप को निकाला है डिफेंस से, बिशप इंटू सी फाइव, रुक जी सेवन पे एंट्री, और यहाँ पर होल्ड के लिए बहुत मुश्किल है, क्वीन देना पड़ा यहाँ पर, जी इंटू एच इंटू जी सेवन, किंग इंटू जी सेवन, और राजा का ये खेल जो है वो ज़्यादा देर अभी चलने नहीं वाला है। बिशप बहुत ही स्ट्रांग है, बिशप एफ फाइव पर आते हुए, और अगर होल्ड किसी भी क्षण पल ये मैच छोड़ दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ पर क्वीन जी थ्री चेक, और राजा का आप कह सकते हो कि बिल्कुल बाजा बजा हुआ है यहाँ पर, क्वीन जी सिक्स आता हुआ, अभी एफ सिक्स मर रहा है, एच फाइव मर रहा है, क्या क्या नहीं मर रहा है, रुक डी सिक्स, प्रज्ञानंदा किंग एच सेवन, और यहाँ पर किंग ई एट की तरफ गए हैं, क्वीन यहाँ पर सी सेवन आता हुआ, किंग वापस आता हुआ ई एट पर, और यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने मेट लगा दी एफ सेवन पर, और यहाँ पर होल्ड ने रिजाइन कर दिया। क्या ही कमाल का मैच खेला है, जोरदार अटैक किया उन्होंने किंग साइड से, तो किंग्स इंडियन अटैक में प्रज्ञानंदा का ये एक बेहद ही बेहतरीन मुकाबला खेला उन्होंने वर्ल्ड रैपिड के 10वें राउंड में। बहुत बहुत बधाई प्रज्ञानंदा।